ये बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा है, ये शायद सप्लाई आ गई है। सबसे पहले हम इसका फ्यूज़ चेक करेंगे, फ्यूज़ तो उड़ा हुआ नहीं है, और चेक करेंगे फिर आगे क्या परफॉर्मेंस। ये फ्यूज़ लगा हुआ है, ये देखिए फ्यूज़ भी उड़ा हुआ है, इसका शॉर्ट हो रहा है दोस्तों। ये पीसी भी यहाँ से शॉर्ट हुआ है, देखिए ध्यान से देखिए शॉर्ट है, ये देखिए शॉर्ट है। तीसरा और भी कुछ देखना है इसमें, कोई और प्रॉब्लम हो। सबसे पहले हम इसका फ्यूज़ को डायरेक्ट कर देते हैं, पतला वायर लगा देते हैं इसमें से। ये मैंने फ्यूज़ को डायरेक्ट कर दिया है, जो एक्स्ट्रा वायर है वो हम तोड़ देंगे इसको। एक मिनट, एक्स्ट्रा वायर है, एक बार और हम तसल्ली से देख लेते हैं कहीं कुछ और शॉर्ट तो नहीं है। ये डाइकिंग का 1.5 टेटन का स्प्लिट एसी का पीसीबी है, ये बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा था और मोटर चलकर बंद हो रहा था थोड़ी देर बाद, इसलिए हम तसल्ली से चेक कर लेते हैं एक बार और। कोई टाँका भी तो नहीं है, अभी भी सप्लाई दिक्कत कर रही है, एक बार तसल्ली से चेक करना बहुत ज़रूरी है चलाने से पहले। फ्यूज़ निकाल कर फ्यूज़ को सही से एक बार चेक कर, फ्यूज़ खराबी है ये, देख लेते हैं। ये देखिए कंटेनर अभी भी नहीं, तसल्ली से चेक करते हैं ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है। हम दोबारा इसका टाँका लगा लेते हैं सही से एक बार, देख लेते हैं इसी में। हम डायरेक्ट ये फ्यूज़ कर देते हैं, देखिए यहाँ से मैंने डायरेक्ट कर दिया, अब हम इसको चला के देखते हैं। ताल वायर लगाते हैं हम इसकी, देखते हैं कि इसमें और भी कुछ फॉल्ट आ रहा है। ये देखिए लाइट आ गई है सप्लाई, बाकी ये देखिए लाइट फिर से बंद हो गई, इसमें प्रॉब्लम आ रही है पीसीबी में। हम चेक करते हैं कहीं और दिक्कत, ये मोटर है हमारे पास इसको हम लगाते हैं, ये देखते हैं कहीं बंद तो नहीं होती। मोटर की वायरिंग चेक कर लेते हैं, वाइट कॉमन है, ब्लैक और वाइट, वाइट कॉमन है तो इसमें देखते हैं हम कॉमन कौन सी है। ये ब्लैक से ब्लैक, ये हमारी फर्स्ट कॉमन है डेकिन का एसी है, मोटर दूसरी कंपनी की है ये, और रेड जो है हमारी, ब्लैक जो है वो कैपेसिटर की कॉमन है, तो कैपेसिटर की कॉमन ये रही, ये सेपरेट है, ये वाली रही हमारी लेफ्ट साइड की, और रेड जो है वो स्टार्टिंग है। लगा दी मैंने वायर, लगाते हैं अब हम ये देखते हैं। ये देखिए मोटर राउंड चल गया, ये मोटर चल गया हमारा। ये मोटर चल गया है थोड़ी, ये देखिए मोटर चलने के बाद बंद हो गया है, ऑटोमेटिक बंद हो गया है मोटर हमारा। इसको हम दोबारा देखेंगे कोई और फॉल्ट हुई है इसमें। सेंसर, मोटर का जो सेंसर रखता है उसमें प्रॉब्लम है, चेक करेंगे ढंग से, ये शायद चलाने की वजह से। ये देखिए जंपर, ये देखिए ये टूटा हुआ है, देखने में ये देखिए जंपर हम हिला रहे हैं, ये अलग हैं पेंट से अलग हैं, तो हम इसको स्केच कर देते हैं और इसको टाँका मार के दोबारा चेक करते हैं। थोड़ा पेस्ट लगा लेते हैं, सोल्डरिंग कर लेते हैं इसको हम दोबारा। ये मैंने जंपर पे टांके मार दिए हैं, यहाँ से जे खेल रही थी हमारी इसकी, अब ओके है ये। अब हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार लगा के वायर,
देखते हैं पीसीबी ओके हुआ है हमारा नहीं हुआ है। ये देखिए मोटर ऑन हो गया हमारा, ये आरपीएम भी मोटर की बिल्कुल ठीक है। अब ये पीसीबी बिल्कुल ओके है। ये बिल्कुल सही चल रहा है अब, क्योंकि आरपीएम मोटर के हल्के हैं तो इसका मतलब पीसीबी बिल्कुल ओके है ये। अब ये ऑटो से हमने हटा दिया, ये ऑन हो गया हमारा, इसकी बिल्कुल ओके हो गया। इसमें जो मेन प्रॉब्लम थी इसका फ्यूज उड़ा हुआ था, और दूसरा ये मोटर के जंपर जो थे वो हिले हुए थे, उसके चक्कर में ऑन नहीं हुए। बाकी ये ऑन ऑफ करके देखते हैं, ये ऑपरेट भी हो रहा है, देखिए ऑफ हो गया ये और ये ऑन हो गया है। ये देखिए मोटर भी चल रहा है अब, इसमें और कोई दिक्कत नहीं थी। ये डाइकिंग का स्प्लिट एसी का पीसी है 1.8 टन का, तो बिल्कुल ओके हमारा पीसी भी हो गया है। आपको मैंने इसका पार्ट दिखाई दिया, ये हमारी मोटर का, हम इससे हर मोटर चेक कर लेते हैं उसमें लगा के। इसका ये जंपर उखड़ा हुआ था मेन, और दूसरा यहाँ से शॉर्ट की वजह से ये फ्यूज़ उड़ गया था, तो हमने ये फ्यूज डायरेक्ट कर दिया है। थैंक यू सर, पीसीबी ओके हो गया। अगला वीडियो हम आपका और भी एक अटैची का पीसीबी पड़ा हम उसको भी रिपेयर करेंगे। टाइम नहीं मिल पाता था, हम 3 दिन में एक वीडियो